हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली आज इल्वेस कटिंग का बात हो रहा है, कैशू कटिंग, आरसीएन ग्रेडिंग। तो आरसीएन कैसे कट किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो ये अपना अभी बेनिन से मटेरियल आया है, ये देखो बहुत सारा मटेरियल आया है। तो हम लोग कैसे इल्वेस चेक करते हैं, मैं तो एक लड़का को ऊपर चढ़ा दिया हूँ, वो हर 5 बोरी में से एक एक करके दो दो मुट्ठी करके माल लेगा, तो उस हिसाब से होता है। उधर भी एलबीएस चेक होता है, उधर से आने के बाद एलबीएस चेक होता है, कैसे एलबीएस चेक करना है ये आज हम सीखेंगे। तो आगे का वीडियो आगे, ये 5-5 बोरी, ये 5 बैग्स इच लेते लेते रहता है, दो दो मुट्ठी, तीन तीन मुट्ठी ये लड़का लेके आज हम लोग, ये देखो चक्कू से कटिंग करेगा, कटिंग करके दो दो मुट्ठी डालेगा, उसके बाद कैसे मिक्सिंग होगा, कैसे क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि ये वाला माल सैंपल कलेक्ट कर लिया हूँ, तो इसमें 100 ग्राम हम लोग 100 ग्राम इसमें वजन करके मॉइस्चर चेक करेंगे। पहले करो जी 100 ग्राम्स। चलो 100 ग्राम के 102 ग्राम भी हो फिर भी चलता है, क्योंकि इसमें 100 ग्राम का कैपेसिटी है। ये 100 ग्राम लिया, इसका ढक्कन ऐसे लगता है, ये ढक्कन लग के ये अपना क्या देखो, रॉ कैशू नट 100 ग्राम्स, दो नंबर दवा ने बोला है, तो इसका 5.3। जितना काजू में मॉइस्चर होएगा उतना काजू का मॉइस्चर लॉस होगा तो आपका नुकसान है, उतना बॉइलिंग टाइम कम करना है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो एक सूटेबल मॉइस्चर चाहिए रहता है, तो अराउंड 5 to 6 इट्स ओके। अब हम लोग इसमें से 1 किलो ले लेते हैं, 1 किलो लेके नट काउंट चेक करेंगे, तो नट काउंट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। 1 किलो उठाओ भाई साहब, बस 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 हो गया, ले आओ। डालो एक किलो हो गया, तो 1 किलो लेके हम लोग अब चेक करेंगे। तो सुनो, ये सारे सब एक जगह कर दो, फिर उसके बाद चालू करते हैं। हम लोग अभी नट काउंट चेक किया, तो अपना ये 10-10 का लाइन है, सब 10-10 करके है। तो ये अपना नट काउंट है 10, 20, 30, 40, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 170 और 176 नट काउंट, मतलब बहुत अच्छा नट काउंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अपना कटिंग जो होता है ना 160 से 190 तक बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा छोटा माल भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा माल भी अच्छा नहीं होता, बी और सी अच्छा रहता है तो वो माल सही रहता है। तो अब हम लोग कटिंग का इंतजाम करेंगे, कटिंग करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन लेना है, तो करेंगे। अपना काजू जो है ना कटिंग हो गया, कटिंग करके अभी मैं इसका ऊपर का स्किन हटा रहा हूँ, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कौन सा माल आपका 50% के हिसाब से जाएगा, कौन सा माल आपका खुल जाएगा, गुड कर्नल्स बोलते हैं। तो अपना ये जो माल का एक्सपीरियंस हुआ है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है, बहुत ज़्यादा ही मिला है। देखते हैं कितना की एजेस बैठता है, बाकी माल का कलर भी कुछ खास नहीं है। मैं जितना सोचा था कि ये इतना अच्छा होगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, अपने लिए सही है, लेकिन छोटा जो जिसका प्लांट है उनके लिए ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि अपना बल्क में काम चल रहा है, अपना बल्क में काम चलता है, तो एक गाड़ी एक दिन दो दिन में अपना ख़त्म हो जाता है, तो इतना अपना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं इसका क्या सीन रहता है, लेकिन हाँ इसका कटिंग बहुत बढ़िया रहेगा, कटिंग तो सुपर रहेगा, ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा ग्रेडिंग में SW ज़्यादा है इसमें, थोड़ा सा पीला पीला देख रहे हो ना, ये जो पीला आएगा ये सारे SW है,
डब्लू का माल कम आएगा, जितना डब्लू का माल कम आएगा तो उतना रेट कम होगा। लेकिन मैं एक चीज फॉलो किया जिसमें ना के डब्लू नहीं मिला मेरे को, जो के डब्लू चीज जो है ना वो नहीं देगा, जो डॉट वाला माल होता है वो नहीं देगा। देखते हैं क्या होता है। ये मटेरियल का भी रिपोर्ट बनाएंगे हम। तो फर्स्ट क्या था, क्रॉप बीनिंग था, फिर आता है मॉइस्चर, मॉइस्चर कितना था 5.3%, फिर आ गया आपका नट काउंट, ये हो गया 176 नंबर्स। अब आएगा मेन चीज एलवीएस कैलकुलेशन। तो इसमें फर्स्ट आएगा गुड कर्नेल्स, फिर आएगा इमैच्योर कर्नेल्स, फिर आएगा रिजेक्शन, तो हम लोग ये तीन चीज आया, गुड कर्नेल्स, इमैच्योर कर्नल्स और रिजेक्शन, ये तीन चीज आया। ये मल्टीप्लाई बाय वन, ये मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय हाफ, ये मल्टीप्लाई बाय जीरो एंड अंतिम में सेल। सेल का काउंट हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि सेल सब अपना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को एलबीएस का जरूरी है, एलबीएस। ठीक है, अब ये जितना ग्राम आएगा इंटू 0.176, ये 176 होता है कैश्यू फैक्टर। क्या कैश्यू फैक्टर, इससे क्या होता है, अपना केजी से हम लोग चेक किया था, कितना केजी किया था, 1 केजी में हम लोग चेक किया, 1 केजी कैलकुलेशन किया, 1 केजी कैलकुलेशन से हम लोग एलबीएस में लाएंगे तो 0.176 होगा। तो हम लोग अभी गुड कर्नल्स चेक किया, गुड कर्नल्स ये था मैंने, इसको करो जीरो और इसको डालो, ये कितना ग्राम आया, 254 ग्राम। तो ये हो गया 254 ग्राम्स। अब आते हैं भाई साहब इमैच्योर कर्नल्स, ये चार देना मान के चलो, ये 4-5 ग्राम होगा, 3 ग्राम हो गया इमैच्योर कर्नल्स। और रिजेक्शन कितना भी है 0 ही है, फिर भी वजन कर लेते हैं। लो जी, रिजेक्शन आ गया अपना कोई 23 ग्राम के करीब, 22 ग्राम। अब आगे आते हैं कैलकुलेशन पे, 254 ये हो गया 1.5 ग्राम, 3 का हाफ कितना होगा 1.5 ग्राम, 1/1.5 ग्राम, तो कितना हो गया 255.5 ये ग्राम्स हो गया। अब फोन दियो, कैलकुलेटर दो। अब 255 ग्राम्स मतलब हो गया 255.5 मल्टीप्लाई बाय कितना 0.176, तो कितना आ गया इक्वल्स टू 44.96 LVS, मतलब ये हो गया 45 LVS का मटेरियल है, जो कि खूब बहुत अच्छा नहीं है। ये मटेरियल तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें मॉइस्चर का भी बहुत कुछ दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, ये हम लोग नहीं लेंगे, जो आया है उसको हम लोग लौटा देंगे। तो हम लोगों को अच्छा माल लाना है, नहीं तो हम लोग फायदे में नहीं रहेंगे। मिनिमम इसका कॉस्टिंग अगर 80 रुपये होता है तो सही रहता है,
80-90 नहीं तो ये फैसिलिटी मतलब ये जो है ना प्रॉफिट नहीं आएगा, ये मिनिमम आना चाहिए था 48 तब जाके आता है। ठीक है चलो, अब आज LBS काटना सीखा है, कल कटिंग कैसे होगा वो